बिहार के राजधानी पटना में रहने वाले हमारे प्रिय पत्रकार बंधु, हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे दरमियान में बिहार के प्रभारी जो हैदराबाद से तशरीफ ला चुके हैं जनाबे माजिद हुसैन साहब, एक्स मेयर हैदराबाद, वो तशरीफ फरमा है। हम उनकी उपस्थिति में आज बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी जो फहरिस्त है, हमारी दूसरी सूची है, वो जारी कर रहे हैं। प्रिय पत्रकार बंधु, आगामी बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है। ये IMIM बिहार ने प्रेस के माध्यम से प्रदेश कार्यालय किशनगंज से दिनांक 11/6/2020 को बिहार के 22 जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों की प्रथम सूची जारी कर दी है। आज हम आपके माध्यम से 18 चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों की दूसरी सूची जारी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में संगठन विस्तार और सर्वे का काम जारी है, शीघ्र ही तीसरी सूची जारी कर दी जाएगी। बंधुगण, आप लोगों को पता है कि हमारी पार्टी ने BJP JDU की साझा सरकार के खिलाफ समान विचारधारा की पार्टियों को एक गठबंधन बनाने की पूरी पहल करती रही है, परंतु NDA के विरुद्ध बिहार की बड़ी पार्टियों के द्वारा बने गठबंधन में हमें शामिल होने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ताहम इस संबंध में किसी निश्चित निर्णय के बाद आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। समय आ गया है कि BJP JDU की सांप्रदायिक और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता को जागरूक और संगठित किया जाए। अब ये NDA विरोधी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो बिहार की जनता के समक्ष अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करें। विगत 15 वर्षों में JDU BJP के सरकार ने बिहार को रासातल में पहुंचा दिया है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विधि व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से राजस्व की बड़ी उगाही के बावजूद बिहार विकास की जगह विनाश से दोचार है। कुछ चिन्हित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा बिहार विनाश के घटाटोप अंधेरे में डूबा पड़ा है। नीतीश कुमार के खोखले विकास के दावों का पोल तब खुला जब कोरोना महामारी में लाखों गरीब मजदूर पलायन कर बिहार वापस आए और सरकार ने रोजगार का वादा किया, परंतु आज वही लाखों गरीब मजदूर अपने राज्य में रोजगार से महरूम होकर वापस जा रहे हैं, जहां आज भी कोरोना महामारी का खतरा मौजूद है। दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ किसानों की हालत दयनीय हो गई है। उत्तरी बिहार, विशेषकर सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों विस्थापितों की खबर लेने वाला कोई नहीं है। न्याय के साथ विकास का दावा करने वाली सरकार अकलियतों और दलितों के साथ लगातार नाइंसाफी कर रही है। विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय नीतीश कुमार RSS के एजेंडे के अनुसार 3 तलाक, NRC, NPR, मॉब लिंचिंग, उर्दू भाषा को शिक्षा से अनदेखी करने का अमल करते रहे हैं, जिससे मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गहरी नाराजगी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का सपना दिखाकर नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का बार बार वोट लिया है, जबकि केंद्र और राज्य में NDA की सरकार है, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा न दिलवा पाना बिहार की जनता के साथ बड़ा धोखा करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जिसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए से देगी। जिन क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया है वह है कोचाधामन, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र, ठाकुरगंज, कस्बा, अररिया, नरपतगंज, छातापुर, प्राणपुर, जाले, दरभंगा शहरी क्षेत्र, सुगौली, भागलपुर, गया, पूर्णिया, धमदाहा, बीरो, मनिहारी। हम लोगों ने 32 सीटों की सूची पहले जारी की है, ये 18 सीटों की सूची आज जारी कर रहे हैं। इस तरह हमारी पार्टी ने 50 सीटों की सूची अब तक जारी कर दी है और ये हम आपके माध्यम से ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, शायद आपने इन 32 सीटों के बारे में सही तौर पर अध्ययन नहीं किया है। इसमें SC की सीट भी है, BJP की सीट भी है, मुस्लिम बाहुल्य भी है और जहां पर मुस्लिम कम संख्या में है वो तमाम तर सीटें हैं। हमने सीटों का चयन करते हुए अपने संगठन के मजबूती को देखा है, जहां हमारा संगठन मजबूत हुआ है वहां हमने उस सीटों का चयन किया है।
हमने, हाँ जाहिर है हमारा जो आधार वोट है वो है, वो लोग जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, तो जाहिर है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों और दलितों का क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा और अनदेखी का शिकार हुआ है और वही लोग इंसाफ के ज़्यादा तलबगार हैं, इसलिए हमने उसे प्राथमिकता दी। से हमारी पार्टी की पॉलिसी रही है कि जेडीयू भाजपा की ये निकम्मी और सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी है जो तरह ये लड़ाई लड़ सके। गठबंधन जरूरी है, गठबंधन के लिए हम पहल करते रहे हैं। जेडीयू भाजपा के खिलाफ जो भी गठबंधन को शामिल करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए दिल दरवाजा दोनों हमारा खुला है। एनडीए में लोजपा भी है, आपने लोजपा का नाम नहीं दिया है, लोजपा बिहार का सवाल भी। लोजपा बहुत कम तादाद में है वहाँ पर, लेकिन असल जो थी कि गठबंधन को वो तोड़ते थे तो उनको इलेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वोट लिया गठबंधन के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर और भाजपा विरोधी वोट लिया, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ 20 महीने में ही उस गठबंधन को तोड़ कर उसी भाजपा के गोद में चले गए जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि मिट जाऊंगा मगर भाजपा में न जाऊंगा, यानी उल्टी चाटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तो इसलिए ये निशाने पर है, मेरे निशाने पर नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता के निशाने पर अगर कोई है, गरीबों, दलितों, वंचितों, किसानों के निशाने पर अगर कोई है, न तो नीतीश कुमार की ये गठबंधन जो ठग ठग पर आधारित है, ये गठबंधन निशाने पर है। तो आप लोगों के ये आरोप लगा रहा पाकिट पर कि आप लोग वोट काटने की रणनीति बना रहे हैं किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, आप सवाल ये पैदा होता है कि वो हमेशा से ये रीत रही है कि जब कोई भी विस्थापित ताकत रही है उसके विरुद्ध जब भी बात उठी है, 1857 में हमारे लोग आज़ादी के लिए लड़े थे तो हम उसे आज़ादी की तहरीक कहते हैं, अंग्रेज उसे बगावत कहते हैं, है ना? तो ये शब्द वो इस्तेमाल अपने मन के मुताबिक करते हैं। हम बिहार की जनता को न्याय और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ इन्होंने जुल्म और नाइंसाफ़ी की है। और शुरू में ये सभी पर आरोप लगते हैं, जब भी कोई नई पार्टी बनी है उन पर ये आरोप लगा है, ये कोई नया आरोप नहीं है। ये वो पार्टियां ज़्यादा आरोप लगा रही हैं जिन्होंने दलितों को, अकलियतों को अपना वोट बैंक बनाकर रखा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। जब उस आबादी से आज इंसाफ की बात उठती है तो वो ये समझ रहे हैं कि मेरे पांव तले जमीन खिसक रही है, इसलिए इस पर आरोप लगाया जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि आसाम में पिछले दिनों में कांग्रेस की AUDF पर, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, यही आरोप लगा रही थी, बल्कि कह रही थी कि भाजपा सेकंड फर्स्ट एनिमी हमारी AUDF है। लेकिन आज उसी AUDF बदरुद्दीन अजमल के साथ कांग्रेस जाने पर मजबूर है। तो ये लोग पहले दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस समुदाय की लीडर से उठ जाती है तो फिर नाक के बल उसके दरवाजे पर हाजिर भी देते हैं। जदयू भाजपा के विरुद्ध जो भी ताकत आए उसको एकजुट करने का प्रयास हो। पप्पू यादव से परहेज नहीं है, ये कह रहे हैं। यकीनन है कि भाजपा और जदयू के खिलाफ जो भी लड़े उसको साथ रखा है। नहीं, परहेज का मसला नहीं है, मामला है कि हमारा सबसे पहला टारगेट है जदयू भाजपा की सरकार को उखाड़ पे फेंका जाए, उसके लिए जो भी लोग आए साथ में आना चाहिए। हम लोगों ने तो दरवाजा अपना खुला रखा है, दिल भी खुला रखा है, हम लोगों ने साफ कह दिया है ना। ये अब उन बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है, वो किसको किसको साथ लेते हैं। चूंकि मामला ये है कि जो लोग अपने आप को आज महागठबंधन की बात करते हैं वो भी दलितों की, अकलियतों के मसाइल की पूरी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं NDA वगैरह जो नाइंसाफी करती है उसका कहीं ना कहीं हिस्सेदार बन जाते हैं, कहीं कहीं मुँह चुप्पी साध लेते हैं। इसलिए वो लड़ाई धारदार जब तक नहीं हो सकती है जब तक कि उस समुदाय के लोगों की शमूलियत उसमें नहीं हो। आज वहाँ पर सन ऑफ मल्लाह की जगह है, वहाँ पर कोयली और कुर्मी के नाम पर लोग जगह देने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की 17% अकलियतों की एक बड़ी पार्टी बनकर आई है MIM, अभी तक उसको साथ में नहीं लिया जाना। अब उसके नियतों का मसला है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। ऐसी योजना है जिसमें हाँ यकीनन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन होगा उसका अनुपालन करना तो सबकी जिम्मेदारी हो। जैसे अवसर मिलेंगे हमको प्रचार प्रसार के, हम अपने जो हमारे पास साधन होगा उसके मुताबिक हम वो काम करेंगे।